मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अगर कॉमेडी करवानी है तो जो आलू से सोना बनाने की बात करता है, जो पीठ का बोलकर सीने में छुरा मारने की बात करता है, उससे कॉमेडी करवा ले। किसी को भी किसी की भावनाओं के साथ खेलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही एनजीओ को विदेशी फंडिंग पर बोले कि विदेश से होने वाली फंडिंग की जाँच हो रही है कि विदेश से जो पैसा आ रहा है कहीं उसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन में तो नहीं हो रहा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे, दरअसल ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उसे विध्वंस किया था। और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके, क्योंकि वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को हाशिए पे डाल दिया था सत्ता के लिए। कमोबेश यही अखिलेश जी ने किया है, पिता और चताओं को राजनीतिक हाशिए पर इसने डालने के बाद में किया है। मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोंटी का जल है, और टोंटी तो फिर टोंटी होती है अखिलेश भैया। दिग्विजय सिंह कुणाल कामरा कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर 18 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 15 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.03% संपूर्ण प्रदेश में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। 51,733 सैंपल कल लिए गए। एक दूसरा विषय जो हमारे अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें पदक जीतने वाले हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक जीते हैं, महिला आरक्षक हमारी तृप्ति पांडे, दीक्षा शर्मा, केडी के भी प्रसन्ना दीक्षा, और इनको क्रमशः पदकों के कारण से नगद पुरस्कार 1,00,000 रुपए, स्वर्ण को, रजत को 75,000 और कांस्य पदक को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। जी मेरे ऊपर व्यंग्य करना, मेरे ऊपर कॉमेडी करना। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला ले, जो छाती में छुरा पीट से भोंकते हैं उनको बुला ले, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला ले। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला सो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। ये विभाजनकारी राजनीति सदैव से कांग्रेस की रही है। अब ये इसमें भी विभाजन करना चाहते हैं, पुरुष और पौरुषत्व में भी विभाजन करना चाहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व में भी विभाजन करना चाहते हैं। उनके यहाँ इटली में होते होंगे चाचा ताऊ बुआ मामा का आंटी ही कहना, अंकल ही कहना, हमारे यहाँ तो सभी के शाब्दिक अर्थों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। वो कहने हिंदुत्ववादी कह रहे हैं जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, जो काशी में कॉरिडोर बनवा रहे हैं, जो 370 हटा रहे हैं। ये व्याख्या करके विभाजनकारी राजनीति को बंद करें राहुल जी, देश कांग्रेस की इन सब बातों को समझता है। सर कमिश्नर प्रणाली को लेकर कुछ बारीकियां सिखाने के लिए धर्मांतरण का मामला सामने आया है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने रिपोर्ट भी सौंपी है, और जो जबलपुर की संस्था है उसे विदेश से भी कुछ संस्था फंडिंग कर रही है। विदेश से फंडिंग आने वाली संस्थाओं, पाने वाली संस्था, इन सभी को हमने जांच के दायरे में लिया है मध्य प्रदेश के अंदर।
जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी है कि वो पैसा आ रहा है तो कहाँ लगाया जा रहा है, किस कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है, कहीं वो धर्मांतरण के लिए तो उपयोग में नहीं हो रहा, कहीं वो PFI संगठन जैसों के लिए तो उपयोग में नहीं हो रहा है। अगर ऐसा जांच में सिद्ध आएगा तो कानूनी कार्रवाई सब पर की जाएगी। सभी जांच, सभी विषय जांच के दायरे में है।